आज हम लोग जानने वाले हैं कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के पांच नियम हैं। कितने नियम हैं? अगर आप भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो पांच नियम में से किसी एक नियम को फॉलो करिएगा तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पहले नागरिकता के फायदे क्या हैं? अगर आपको भारत की नागरिकता है तो आपको भारत में रहने दिया जाएगा, नहीं तो भारत से निकाल दिया जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये है। आप भारत के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल या सरकारी जो भी सुविधा है उसका आप आनंद उठा सकते हैं, यह नागरिकता का फायदा है। आपको वोट डालने का अधिकार होगा, जिससे आप अपने मनपसंद का प्रशासन, शासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चयन कर सकते हैं, यहाँ तक कि मुखिया से लेकर वार्ड मेंबर सभी का चयन कर सकते हैं। इस प्रकार से अनगिनत फायदे हैं। इस बीच में आते हैं तो हम बात करते हैं। तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के सबसे पहला आधार है जन्म के आधार पर। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था तो दो देश के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में, क्या हो गया था? बट गया था। दो देश के रूप में बटा था ना। अब जिस समय भारत बटा था उस समय तो सीमा तुरंत नहीं बन गया था, तुरंत बन गया था? नहीं बन गया था। तो उस समय एक नियम बनाया गया कि अगर किसी का जन्म भारत में होता है तो वह भारत का नागरिक होगा। अब पाकिस्तान वाले क्या करते थे? दूसरे देश वाले फायदा उठा लेते थे। रहता कहीं और था और भारत के दिल्ली में आके हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हो गया, नानी के यहाँ जन्म हो गया, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी। और जब नागरिकता मिल जाती थी तो सारी सुख सुविधाएं मिल जाती थी। इसका मिसयूज होने लगा तो 1986 में उसमें एक संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? कि भारत में सिर्फ जन्मे लेने से भारत की नागरिकता मिल जाएगी ऐसी बात नहीं है। उसमें संशोधन किया गया कि अगर वह भारतीय है भारतीय है कि मतलब उसके माता या पिता को भारतीय नागरिकता है, तब उसको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगी। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के माता पिता कहाँ के नागरिक हैं? तो भारत के नागरिक हैं। हम लोग को जन्म के आधार पर क्या हो गया? भारत की नागरिकता। लेकिन अगर किसी के माता पिता भारत के नागरिक नहीं हैं, इंग्लैंड के नागरिक हैं, भारत घूमने के लिए आए, 6 महीना यहीं रह गए और उनको बच्चे जन्म ले लिए, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। लेकिन 1946 से पहले अगर किसी का जन्म भारत में हो जाता है तो उस आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल जाती थी, जिसका गलत लोग फायदा उठाने लगा। क्या होने लगा? गलत फायदा उठाने लगा। तो उसमें संशोधन किया गया और यह बताया गया कि उसके माता या पिता अगर भारतीय हैं तब भारत में जन्म लेता है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। पहला समझ गए, जन्म के आधार पर किसको मिलेगा? उसके माता में या पिता में से। तो पहले क्या होता था, माता को मान्य नहीं दिया जाता था, माता को मान्य नहीं होता, पिता की बात होता था। अभी हो आप लोग पूछते हैं किसका बेटी है तो सीधा पिताजी का नाम बोलते हैं, किसका बेटा है तो पिताजी का नाम बोलते हैं। माँ का नाम बोलते हैं? कोई बोलते हैं माँ का नाम? किसका लड़का है रे तो नाम बोल देते हैं पिताजी का। किसकी बचिया है, किसकी बुच्ची है, बुच्चियन कहते हैं, दाई कहते हैं। तो जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम लोग पिताजी का नाम। तो पहले भी धीरे धीरे इसमें मान्यता हटा है, अभी हमारा परिवार का मुखिया माँ को ही माना जाता है। लेकिन पहले था कि पूरी तरह से पितरात्मक परिवार था, पितृसत्तात्मक कहा जाता था, पिता को आधार लिया जाता था। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। देखिए दूसरा बता रहे हैं कि वंश के आधार पर, जैसे कि हम भारतीय हैं और हमको भारत की नागरिकता है, हम 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए काम करने के लिए विदेश चले गए, परिवार के साथ चले गए और मेरे बच्चे का जन्म वहाँ हो जाता है। कहाँ पर? विदेश में। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड में, सऊदी अरब, कहीं चले जाते हैं। तो हम भारतीय हैं तो हमारे बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। कहाँ हो गया? तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगा पहला के हिसाब से? नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा के आधार पर, किसके आधार पर? वंश के आधार पर उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? कि उसका वंशज कौन है? हम है ना, हम कहाँ के हैं? भारतीय हैं। शिखर धवन को बच्चा को मिला, शिखर धवन जिस लड़की से शादी किया है उसको 2 गो बेटी ऑलरेडी था, 2 बेटी ऑलरेडी था जिस लड़की से शादी किया, तो उसका तो बच्चा था नहीं। लेकिन जब भारत में शादी कर लिया तो शिखर धवन कहाँ के हैं? भारत के। तो उसके बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है, तो पहला है कि भारत में जन्म होता है,
अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगा, कोई कागज पत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरा है तो वंश के आधार पर, तो आपको वंशावली बताना पड़ेगा। अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है या नागरिकता प्राप्त करने के लिए आईडी बनाया जाता है तो उसमें माता या पिता का रेफरेंस देना पड़ेगा कि हमारे माता या पिता कहाँ के हैं, भारत के हैं। तो वंश के आधार पर, चाहे आपका जन्म इंग्लैंड में हो, जापान में हो, कहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। माता या पिता, जैसे कि सानिया मिर्जा का नाम सुने होंगे, किससे शादी की है, सोएब मलिक कोई नाम है, कुछ नाम है, कहाँ का है, पाकिस्तान के। अब वो उसके पास पाकिस्तान की नागरिकता है और सानिया मिर्जा को भारत की नागरिकता है। इतना तेज है कि भारत की नागरिकता भी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि स्पोर्ट में बहुत अच्छा है, भारत सरकार बहुत फायदा देता है, भारत सरकार भी नहीं छोड़ रहा है क्योंकि स्पोर्ट में उसका नाम है। अब उसके जो बच्चे होंगे 18 साल तक कोई कुछ नहीं कहेगा, भारत में रहेगा तभी हो, पाकिस्तान में रहेगा तभी हो। लेकिन 18 साल से ज़्यादा है, जैसे ही अधिक हुआ, अगर वह पाकिस्तान में वोटर आईडी बना लेता है, आधार कार्ड बना लेता है, तो बस भारत की नागरिकता ख़त्म। भारत में बना लेता है तो पाकिस्तान वाला ख़त्म कर देगा। किसी एक के देश की नागरिकता औसत होता है, एकल नागरिकता मैक्सिमम देश में है, दोहरी नागरिकता कहीं है नहीं, दो देश का नागरिक नहीं बन सकते। तो एक ही देश की नागरिक आप हो सकते हैं, तो वह अगर पाकिस्तान में अपना बना लेता है तो भारत की नागरिकता छिन जाएगी, और भारत में बनता है तो हाँ पाकिस्तान की नागरिकता छिन जाएगी। दूसरा समझ में आ गया, जन्म के आधार पर। इसमें जो है 1992 में संशोधन करके इसको लाया गया कि वंश के आधार पर। वंश में क्या हो सकता है, माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है। जैसे सानिया मिर्जा भारत की है, उसकी माएँ हैं ना, माँ के आधार पर उसको क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला है पंजीकरण। मान लीजिए जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ और उसके कोई वंशज भारतीय नहीं है, तो वह भारत सरकार में पंजीकरण करा सकता है। एक फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन, उसको भर देगा। 7 साल के बाद वह चला जाएगा गृह मंत्रालय को। किसको चला जाएगा, गृह मंत्रालय, जैसे अमित शाह भी गृह। वह अगर दस्तखत कर देते हैं, उनके हिसाब से लगेगा कि नहीं ठीक ठाक है, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो भारत की नागरिकता का तीसरा है कि आप भारत में 7 साल रहें, रजिस्ट्रेशन करा लें, 7 साल रहें, आपका बिहेवियर बाकी सब चीज़ ठीक रहा, कोई क्लेम नहीं रहा, तो गृह मंत्रालय के द्वारा आपको 7 साल में नागरिकता दे दी जाएगी और उसके बाद आपको सारी सुख सुविधा भारत का मिलेगा। अगला है देशीकरण। कोई व्यक्ति भारत में आता है, अब वह रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अब 5 साल रह गया, 8 साल रह गया, 10 साल रह गया, अब फिर रजिस्ट्रेशन कराएगा तो 7 साल लगेगा समय, तो उसके लिए देशीकरण एक है। उसमें एक योग्यता होनी चाहिए, या तो विज्ञान के क्षेत्र में या तो कला के क्षेत्र में, किसी चीज़ में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान है, तो आप पंजीयन नहीं भी कराए हैं, आप कोई रिकॉर्ड दिखा देते हैं कि हम भारत में हैं 10 साल से, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि कैटरीना कैफ, अदनान सामी, एक मोटा मोटा है, वो पाकिस्तान से आया है, क्या है, अदनान सामी है, सिंगर है, कैटरीना कैफ पाकिस्तान से है। तो ये सब जो है भारत से आया, लेकिन वो एक्ट्रेस है, उसमें एक कला है, नहीं है। अदनान सामी एक संगीतकार है, उसमें भी कला है, या कोई विज्ञान, क्योंकि कोई वैज्ञानिक भारत आ जाता है तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, कोई वैज्ञानिक अगर भारत में आके बसना चाहता है तो उसको तो देना है, तो भारत के लिए अच्छी बात है। तो वह अगर उसमें कोई विशेष ज्ञान है, जैसे विज्ञान या कला के क्षेत्र में कोई विशेष ज्ञान है, और वह भारत की कोई एक भाषा को जानता है और 10 साल है, तो भारत में उसको नागरिकता मिल जाएगा। और वह पंजीयन नहीं भी कराया है, फिर भी पंजीयन अगर नहीं भी कराया है तो इसको कहते हैं देशीकरण। चारों समझने में कोई दिक्कत, तो हम लोग किस में आते हैं, पहला जन्म के आधार पर। किसके आधार पर, जन्म के आधार पर भारत में, या दूसरा के आधार पर भी कह सकते हैं, वंश के आधार पर, हमारे वंशज कहाँ के हैं। लेकिन पंजीकरण वाले कौन होंगे, वह भारतीय वंशज का नहीं होगा, कुछ दूसरे देश से आया हुआ होगा। और ये देशीकरण में भी कौन होगा, दूसरे देश से आया। पचमा है अर्जित भूमि। कौन सा, अर्जित भूमि किसे कहेंगे, जैसे कि आप लोग सुने होंगे 1975 में से पहले सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, 1975 में सिक्किम को भारत में मिला गया, तो भारत में मिला लिया गया तो उस प्रकार से सिक्किम के जितने नागरिक हैं सबको भारत की नागरिकता मिल गई। और आज हम लोग को पता भी नहीं लगता कि सिक्किम भारत का हिस्सा एक समय नहीं था, इतना ना घुल मिल जाते हैं। जैसे अभी कश्मीर का विवाद चल रहा है,
लेकिन कुछ साल के बाद आपको पता नहीं लगेगा कि कश्मीर के साथ ऐसा विवाद था। पहले आप कश्मीर के साथ आप रिलेशन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है वह एक जैसा हो जाएगा, तो फिर पता भी। तो सिक्किम भी, और सिक्किम के साथ अगर घटना के बारे में सुनिएगा, तो सिक्किम के बगल में एक देश था तिब्बत। कौन सा देश था? तिब्बत। तिब्बत क्या किया, चीन में मिल गया, चीन उसको ज़बरदस्ती मिला लिया। अब चीन वाला इतना न धोया उसको, धोना समझते हैं ना, इतना न मारा। वो पहले कह रहा था क्या, जो हम अपना स्वतंत्र देश रहेंगे सिक्किम की तरह, लेकिन चीन वाला क्या किया, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। अब इतना न मारा कि एक घर में चार भाई है ना, तो एक को बीजिंग भेज दिया, एक को सिंघाई भेज दिया, घर छोड़वा दिया। अब ले, अब विद्रोह कैसे करेगा, जितने तिब्बत का नागरिक था सबको पूरा चीन में अलग अलग बसा दिया ज़बरदस्ती। तो सिक्किम वाला भी डर गया, उसको लगा सिक्किम वाला को कि अगर चीन हमको ज़बरदस्ती मिला देता है तो हम भी परिवार से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे परिवार का। माना आपके पिताजी रह रहे हैं कहाँ, पटना में, आपकी माँ रहेगी तमिलनाडु में। ऐसा स्थिति कर दिया तिब्बत वाले के साथ, इसलिए अभी भी तिब्बत के साथ उसका टसल ही चल रहा है। लेकिन सिक्किम वाला क्या किया, वहाँ का जो समय जो प्रशासक राजा वगैरह था, वह भारत में क्या किया गया, मिल गया, और भारत सरकार उसको मिला लिया और कहा कि तुमको चीन वाला हाल नहीं करेंगे, तुम जहाँ है वहीं रहो लेकिन भारत का अंग हो। लेकिन भारत के साथ एक कंडीशन है कि कोई भी राज अगर भारत में एक बार मिल गया तो किसी भी वह स्थिति में वह भारत से अलग नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि भारत जो है राज्यों का यूनियन है और यूनियन का कभी बिखराव नहीं होता है। अगर ये बात समझ में नहीं आएगा तो आपको पॉलिटी नाम से एक वीडियो डाले हुए हैं, उसको देख लीजिएगा, उसमें सब बात समझाए, पॉलिटी लिखा हुआ। तो भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है, और इसमें से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। जानते हैं कि अगर महाराष्ट्र और गुजरात भारत से अलग हो जाएगा तो भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, लेकिन क्या गुजरात भारत से अलग हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में वह भारत का अंग ही रहेगा, हम लोग खाएंगे तो वो भी खाएगा, हम लोग मरेंगे तो वो भी मरेगा, अलग नहीं हो सकता है चाहे वह कितना भी समृद्ध क्यों ना हो। किसी देश को, किसी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है, लेकिन इसके टुकड़े करना संभव नहीं है अभी के संविधान के हिसाब से। कोई भी राज्य नहीं अलग हो सकता है, क्योंकि भारत जो है वह यूनियन है और 563 रियासत सब मिलाकर एक भारत का देश बना है। इसलिए भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजकीय भाषा है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ अलग अलग बोली भाषा के लोग रहते हैं। ये चारों तरफ से समझ गए, पचमा अर्जित भूमि वही है कि जिसको देश में हम मिला लेते हैं उसे भी भारत की नागरिकता दे देते हैं और उसको भी सारी भारत की सुख सुविधाएँ मिलती है। इस प्रकार से पाँच में से किसी एक को आपको पूरा करना पड़ेगा तभी आप भारत के नागरिक होंगे। आप भारत के नागरिक होने का फायदा समझ लीजिए, सबसे बड़ा फायदा, अगर भारत के नागरिक नहीं हैं आया भारत की नागरिकता आपसे छिन जाती है, नहीं हैं तो दूसरे देश के नागरिक होंगे, लेकिन अगर भारत की नागरिकता आपको किसी कारण से छिन जाती है तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। डगरा का बैगन समझते हैं, देहाती कहावत है डगरा का बैगन, मन डगरा में बैगन रखिएगा ना तो लुढ़क के कभी उधर जाएगा कभी उधर जाएगा। धोबी का गधा न घर का न कुत्ता न, हाँ धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। उसी प्रकार से अगर आपकी नागरिकता छिन जाती है तो आप बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। जैसे ही नागरिकता छिनेगा आपको कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। जैसे ही नागरिकता छिनेगा, छिन जाएगा आपका, आपका वोटर आईडी रद्द हो जाएगा, बैंक अकाउंट रद्द हो जाएगा, पासपोर्ट रद्द हो जाएगा, कहीं ना आप जा सकते हैं कहीं आ सकते हैं ना, कहीं आपको कोई नौकरी मिलेगा ना कहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या करिएगा, चौराहे पर बैठल रहिएगा, जिसको मन आएगा ऐसे 2 लाख देगा चल जाएगा। अब जाइएगा थाना, कहेगा कौन है, कहाँ के नागरिक हैं, कहीं के नहीं, भागो, कोई केस नहीं होगा। आपका केस भी तभी दर्ज होता है जब अपना नाम पता बताते हैं। आपकी नागरिकता जो है वह आवास से जुड़ा हुआ, नागरिकता छिन जाए तो आप कोई लायक नहीं रहेंगे, मरना ही आपके लिए सबसे सही विकल्प होगा। तो ऐसे हम लोग को फ्री में नागरिकता मिल जाता है तो एहसास नहीं होता है, लेकिन एक बार नागरिकता छिन जाए तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो कैसा एहसास होगा, हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराने दिया जाए, कहीं काम करने नहीं दिया जाए तो पैसा कहाँ से आएगा, खाइएगा, होटल में जाइएगा, खाने नहीं देगा, जो पॉकेट में पैसा जो बचा हुआ है उससे भी अगर आप कुछ खरीदने चाहिएगा, नागरिकता छीन जाने के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा कि इसके साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगा तो कहाँ जाइएगा, कोई आएगा 2 थप्पड़ दे के चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए नागरिकता का बहुत बड़ा महत्व होता है
और नागरिकता के ये पांच तरीके हैं। इसके बाद आता है एनआरआई। एनआरआई किसका नाम आता है? एनआरआई किसे कहते हैं? जो भारत में नहीं रहता है। भारत में कहाँ रहता है? विदेश में रहता है, लेकिन वह भारत को उसको नागरिकता मिलती है। कैसे मिली हुई रहती है? वह विदेश जाता है, जैसे आप लोग को देखिएगा चाचा जो सऊदी अरब कमाने जाते हैं, कहाँ के नागरिक हैं? अमेरिका कमाने जाते हैं, कहाँ के नागरिक हैं? भारत। वहाँ की नागरिकता नहीं लिए तब तक वो भारत के नागरिक हैं। वैसे लोगों से फ़ायदा होता है, अमेरिका जाते हैं कमा कर भारत लाते हैं, तो लाने वाला तो आदमी चाहिए ना, तो उसकी नागरिकता नहीं छीनती है। लेकिन कोई अमेरिका गया और वहाँ की नागरिकता ले लिया, ले वहाँ की नागरिकता ले लिया, भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा? स्वतः समाप्त। अगला में बताएंगे आपको नागरिकता किस किस आधार पर समाप्त हो सकती है, कैसे समाप्त हो जाएगा उसके आधार बताएंगे। पहले नागरिकता को समझने में कि नहीं को कोई डाउट है तो बोलो। आप लोग को किस आधार पर नागरिकता है? जन्म और वंश के आधार पर। अगर किसी का जन्म और वंश भारतीय नहीं है तो किस आधार पर मिलेगा उसको? पंजीकरण करा के। उसके लिए नियम क्या है? कितना साल भारत में रहना पड़ेगा? 7 साल भारत में रहना पड़ेगा। कितना रहना पड़ेगा? 7 साल। अगर वह पंजीकरण करा लिया तो उससे 7 साल लगेगा। अगर उसमें कोई विशेष ज्ञान है, पंजीकरण नहीं भी कराया, तो उसको 10 साल में भारत की नागरिकता, जैसे विशेष ज्ञान में या तो विज्ञान में या तो कला के क्षेत्र में और भारतीय भाषा जानता हो, इस आधार पर मिल जाएगा। अगर भारत में कोई अर्जित भूमि है जिसको भारत में मिला लिया गया, तो वहाँ के नागरिकों को बिना आधार पर कुना बेस लेगा ने उसको मिला लिया, वह भारत के नागरिक हो गए, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ में आया इतना? उतार लो इतना।